ये है भगवान के चरण पादुका, कृष्ण अर्जुन के चरण पादुका। हाँ ये यहाँ चरण पादुका, हाँ चरण पादुका का ये पूरा नज़ारा है इस तरीके से। अभी आज बादल लगे हुए हैं। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊपर है ये चरण पादुका। कहते हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन ने तपस्या किया था, तब इंद्र ने बहुत सारे देवी देवता अप्सराओं को भेज दिया था, तब भगवान ने अपनी जंगा से उर्वशी जी को प्रकट किया था। तो उर्वशी मंदिर यहाँ पर है, ये जो बादल दिख रहे हैं इसके बैक साइड में नीचे को बामणी गांव है। तो यहाँ पर जब प्रकट हुए उर्वशी जी तो भगवान नारायण ने अपना परिचय दिया। उसके बाद भगवान ने यहाँ पर लीला करते हुए यहाँ पर अपने चरण बना दिए और उर्वशी जो अप्सरा थी वो इंद्र को दे दिया, वो स्वर्ग में चली गई। यहाँ का नर नारायण भगवान हमेशा यहाँ पर विराजमान रहते हैं, वो कभी भी इस स्थान को छोड़कर नहीं जाते हैं, अदृश्य रूप से यहाँ रहते हैं। ये है चरण पादुका। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बद्री विशाल में चरण पादुका पहुँच गए हैं हम, गुरु जी की कृपा से आ गए हैं। और यहाँ से 3 किलोमीटर है बद्रीनाथ जी का मंदिर। और ये रास्ता है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ा 1.5 किलोमीटर का चढ़ाई था। तो आप पहली बार आए ना चरण पादुका? पहली बार आई हैं। माता जी साथ में, उनकी बहन जी हैं और भाभी जी हैं। तो ये पूरा नज़ारा है चरण पादुका का। यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन यहाँ तपस्या करते हैं, हमेशा वहीं यहीं विराजमान रहते हैं। नर पर्वत वो सामने, अभी बादलों के कारण दिख नहीं रहा है, और ये नारायण पर्वत है। नारायण पर्वत पे कृष्ण अर्जुन भगवान ने जब तपस्या किया तो यहाँ पर अपने चरण पादुका चरण के निशान छोड़ दिए हैं और उनका निवास यहीं रहता है हमेशा। और ये इधर संत महात्माओं की गुफाएँ हैं, गुफा में रहते हैं कुछ महात्मा, यहाँ पर है, पीछे भी है। और सामने नीलकंठ पर्वत अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पर ओम वाला पर्वत यहाँ पर भी है, ऋषिगंगा सामने, एक नीचे को एक पानी का झरना आ रहा है उसको ऋषिगंगा बोलते हैं, और ऊपर नीलकंठ पर्वत है इन दोनों पहाड़ के बीच में, लेकिन अभी कोहरा लगने के कारण दिख नहीं रहा है। जय बद्री विशाल, जय नारायण 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 नारायण।